नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित निकेतन अनिल जोशी आपका एक बार फिर से आज के इस दूसरे वीडियो में स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। एक और बात दोस्तों, आज जो मैच हो रहा है वुमेन्स के मैच होने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स वर्सेस पाकिस्तान वुमेन्स का मैच है, ठीक है, उसके प्रेडिक्शन जानेंगे। साथ ही एक और मैच है हमारी टीम इंडिया का, इंडिया वुमेन्स वर्सेस बारबाडोस वुमेन्स। अब देखिए, जो बारबाडोस की टीम है ना, वो एक्चुअली में वेस्ट इंडीज की टीम ही है। अब कॉमनवेल्थ गेम है तो वेस्ट इंडीज का ऐसा कोई देश नहीं है वैसे। हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश नहीं है, वो एक द्वीप है। इसलिए बारबाडोस करके है ना एक कंट्री है और इसका एक पार्ट है वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज के जो टीम है बारबाडोस, इनका मैच होने वाला है इंडिया वुमेन्स के साथ में। दोनों ही मैच के प्रेडिक्शन जानेंगे इस वीडियो में। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आपको मैच के प्रेडिक्शन टॉस की जानकारी कुछ मिनट पहले मिल जाए, तो स्क्रीन पर दिए गए क्रिकेट एक्सपर्ट जी के नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आपको मैच के एक्यूरेट प्रेडिक्शन प्रोवाइड करते हैं, साथ ही सेशन की जानकारी भी एक्यूरेट प्रोवाइड करते हैं। इनका जो नंबर है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, वहां से इनका नंबर आप ले सकते हैं। दोस्तों, आज का जो मुकाबला है उतना, वैसे तो देखिए आज तीन मुकाबले हैं। एक मुकाबला है अफ्रीका और आयरलैंड का, जिसके प्रेडिक्शन दे चुके हैं, और साथ ही आज दो मुकाबले और वुमेन्स के मैच है। तो पहले मैच की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स वर्सेस पाकिस्तान वुमेन्स। जाहिर सी बात है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है। हमारी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी भी कहती है कि आज ऑस्ट्रेलिया विनर हो सकती है, बट पाकिस्तान का परफॉर्मेंस आज आपको कुछ बेहतर, कुछ हट के देखने को मिलेगा। पाकिस्तान आज जो पहले कभी नहीं किया, शायद वो कर जाए। आज आपको पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग बढ़िया दिखेगी, बट कहीं ना कहीं आज ऑस्ट्रेलिया की राशि भारी है। ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा, ऑस्ट्रेलिया अंत में इस मुकाबले को जीत सकते हैं। वुमेन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मैच है इंडिया वर्सेस बारबाडोस का। इसके संबंध में भी मेरा वही प्रेडिक्शन है कि आप इस बार भी इस मैच के लिए भी फेवरेट टीम को पिकअप करिए, यानी कि इंडिया को पिक करिए। बारबाडोस है कमजोर टीम है, उतना यानी कहे तो एक्सपीरियंस तो की बात तो नहीं है, बट वेस्ट इंडीज के आगे इंडिया बहुत बढ़िया स्ट्रांग टीम है। तो जब भी ना क्या होता है कि दो एक कमजोर टीम एक स्ट्रांग टीम के बीच मैच होता है ना, तो इसमें एस्ट्रोलॉजी का काम करती है कि जो, अब जाहिर सी बात है कि जो मजबूत टीम है वो जीतेगी। अब मुझे बताइए कि आयरलैंड और अफ्रीका के बीच में जो मैच होगा, जाहिर सी बात है कि 99.9% चांस रहेगा कि अफ्रीका जीतने वाली है, बट इसमें एस्ट्रोलॉजी क्या करेगी। तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी ये डिसाइड करती है कि जो कमजोर टीम है उसका प्रदर्शन कैसा रहेगा। हालांकि मैच नहीं जीतेगी, बट उसका जो प्रदर्शन रहेगा उस मैच में वो डिसाइड करती है। जैसे कि मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच है, ठीक है, पाकिस्तान कमजोर टीम, ऑस्ट्रेलिया मजबूत टीम है, वुमेन्स की बात कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान की राशि बढ़िया रहेगी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से, तो उनका जो प्रदर्शन है बढ़िया रहेगा, टक्कर देगी, कांटे की मैच होगी, बट ऑस्ट्रेलिया ही विनर होगी। तो आज के मुकाबले में की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया विनर रहेगी पहले मुकाबले में, सेकंड में इंडिया वुमेन्स विनर रहने वाली है। आपका प्रेडिक्शन क्या है कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।